नमस्कार आरबी न्यूज लाइव से मैं बिटू कुमार आज हम जनपद गोपालगंज विकास खंड कुकोट ग्राम पंचायत राज बखरी आई यहाँ के मुखिया से ग्राम कार्यों के विकास कार्यों के बारे में जानते हैं नाम मुखिया जी चंद्रकांत सिंह ग्राम पंचायत राज बखरी और मैं मुखिया संघ का अध्यक्ष हूँ कुचायकोट प्रखंड का मुखिया जी शौचालय कितना बना है शौचालय लगभग यहाँ मतलब हजारों की संख्या में बन चुका है थोड़ा सा उनासी लाख के लगभग औसत में हमारी पंचायत में पेमेंट भी हो चुका है एम कितना हुआ है और एम आई का तो रिपोर्ट अभी जो है उसको देखना पड़ेगा लगभग सोलर लाइट कितना लगा है अभी स्टिक लाइट तो लगभग पचास साठ लगा हुआ है अभी खंडलानी इंटरलानी का काम कितना हुआ है अभी इसमें थोड़ा कमी आई है रोड रोड पर हम लोग लगे हुए थे विकास मुद्दा के लिए लेकिन अब जैसे ही पानी का स्तर घटता जा रहा है फिर उसके बाद से हम इसको काम शुरुआत करेंगे शौचालय स्वच्छता सौ, मिशन पर बैठक कब होती है यहाँ तो स्वच्छता मिशन पर डेली बैठक होती है हमारे अभी जिला पदाधिकारी भी और एसडीओ साहब सारे पदाधिकारी सारे यहाँ पर दौड़ा किए थे सबका साथ हम लोग बार्तालाप हुआ स्वच्छता पर क्योंकि जी आए दिन देखा जा रहा है शौचालय बनने के बावजूद भी लोग खुले में शौच जा रहे हैं इसके लिए कुछ जागरूकता अभियान नहीं देखिए ये जागरूकता अभियान इसमें सरकार लगभग जिस तरह शुरू में इसको मजाकिया तौर से देखना शुरू किए लेकिन हम धन्यवाद देना चाहते हैं जिला पदाधिकारी को और भारत सरकार बिहार सरकार को इस कदम का आगे बढ़ाने का थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ कि एक कर्म क्रिया अपना है और इसमें ज़्यादा पब्लिक को जागरूकता लाना पड़ेगा क्योंकि सरकार के ही भरोसे हम लोग बैठे रहें तो बड़ा निंदनीय बात है निंदनीय बात यह है कि अगर कर्म क्रिया की भी पैसा सरकार दे रही है और उसके बाद भी हम लोग सर सफाई अपना व्यवस्था न सुचारू करें तो क्या इसमें सरकार ही दोषिया है क्या हम लोग दोषिया नहीं है तो जागरूकता अभियान से ही इसको हम लोग आगे बढ़ सकते हैं जागरूकता अच्छा चला लेकिन फिर भी देख रहे हैं अभी तत्काल में कुछ लोग फिर शौचालय बाहर जाना शुरू कर दिए हैं और इस पर हम चाह रहे हैं कि जिला पदिकारी की जो मीटिंग हो तो इस सवाल को उठाया जाए और फिर से एक तहत अभियान चलाया जाए प्राइमरी स्कूल का सुंदरीकरण देखिए अभी प्राइमरी स्कूल का सुंदरीकरण तो कई जगह भूमिहीन विद्यालय भी है जमीन के अभाव में पड़ा हुआ है लेकिन अभी हमारे यहाँ जिला पदाधिकारी द्वारा दौड़ा हुआ खुद अपने स्तर से जाकर स्थल को निरीक्षण किए एक आंगनबाड़ी केंद्र वो मॉडल केंद्र बनाने के लिए जिला पदाधिकारी द्वारा हमें आदेश मिला है कि मुखिया जी एक अच्छा सा एक मॉडल आंगनबाड़ी बनाइए जो उसका हो रहा है बन रहा है जल्द से जल्द एक आंगनबाड़ी बनेगा जो बिहार के लोग और यहाँ के ग्रामीण देखने आएंगे ऐसा बनेगा चलिए मुखिया जी विधवा पेंशन कितना मिलता है देखिए पेंशन का तो विधवा पेंशन का तो सब लगभग हमारे यहाँ पेंशन का रेशियो लगभग एक हजार के आसपास हम लोग चले गए हैं और उसमें डिवाइड करना पड़ेगा विधवा कितना है मुख्यमंत्री पेंशन कितना है राष्ट्रीय पेंशन कितना है प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना में तो जल नल का देखिए जल नल तो मेरे चौदह वार्ड है लगभग फिफ्टी परसेंट में पानी गिर रहा है और फिफ्टी परसेंट का खाता का संचालन स्टीमेट हो गया उस पर भी कार्य संचालित हो रहा है और लगभग दो माह में मेरे यहाँ हंड्रेड परसेंट जल नल का काम फाइनल हो जाएगा और जल नल एक बहुत बड़ी बड़ी सोच सरकार का योजना है जो इसको अभी नाम जानता नहीं समझ पा रही है पहले तो हम लोग स्टार्टिंग किए तो जल नल को लोग मजाकिया सवाल में उठा रहे थे लेकिन आज मैं दावा करता हूँ कि नया जो बजट चल कर आया है ये बहुत सुंदर इस्टीमेट है और टिकाऊ भी होगा और जैसे मैं देखता हूँ कि पहले लोग मजाक उड़ाए और कभी कभी बिजली के अभाव से थोड़ा सा अगर विलम्ब हो जाता है तो वहाँ से कॉल आने लगता है कि मुखिया जी बर्तन भजने का टाइम हो गया पानी पीने का टाइम हो गया जल्द से जल्द बिजली चलाइए और जल नल का पानी का व्यवस्था कीजिए तो मुझे अजब गजब लगता है कि कहीं कही, वही लोग मजाक उड़ा रहे थे आज वही लोग मेरे पास कॉल कर रहे हैं कि तो मुखिया जी पानी का जल्द से जल्द व्यवस्था बड़ी गर्मा की बात है और स्वच्छ जो आज दिन प्रतिदिन स्वच्छता की बात चल रही है उसमें स्वच्छता एक पानी भी है जो और स्वच्छ पानी हो तो डॉक्टर जिस तरह बताते हैं उस तरह हम लोग को अच्छा सा अच्छा स्वच्छ पानी मिले तो कोई बीमारियों से हम लोग वंचित हो सकते हैं मुखिया जी हमारे चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं हाँ आपको चैनल के माध्यम से जरूर कहना चाहता हूँ जैसे शौचालय मुद्दे पर आए हम चाहूँगा कि आप लोग भी इसमें सहयोग करें कि अभियान को थोड़ा लोग मुड़ रहे हैं बैक के तरफ मुड़ रहे हैं पीछे की तरफ मुड़ रहे हैं बहुत कम परसेंटेज में हम चाहेंगे कि उसको आप और हम और सारे प्रशासन मिलकर वो जागरूकता अभियान फिर एक बार और अवश्य जरूरी है बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी थैंक यू व्यवस्था में प्रधानमंत्री आवास में सब अधूरा काम रह जाता है टारगेट कम आ रहा है लेकिन हम देख रहे हैं कि जितना राशि सरकार दे रही है उसमें हम लोग अच्छे से सहयोग कर रहे हैं और घर निवास उसको बहुत जल्दी मिल जाता है